क्षेत्रफल वेक्टर हम लोग आज देखेंगे। क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है और क्षेत्रफल वेक्टर में कैसे हम इसको कहेंगे कि क्षेत्रफल वेक्टर। अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें वेक्टर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, लंबाई चौड़ाई माप लीजिए, दोनों का गुणा कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे वाई दिया है, यहाँ पे एक्स अक्ष है, ठीक। यहाँ से अगर कोई कर्व लेते हैं, मान लीजिए ए पॉइंट है जहाँ पर क्षेत्रफल इसका ये जेड है, यहाँ पे इसकी लंबाई ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, ठीक। तो अगर हम इस वर्ग अक्ष अगर पूछा जाए क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे ए स्क्वायर, क्या कर देंगे ए स्क्वायर, क्योंकि लंबाई पर चौड़ाई क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन ये तो आप पीछे पढ़े, पीछे मतलब पिछली कक्षाओं में आप कह सकते हैं पढ़े हैं, लेकिन अब यहाँ पे हमको क्या देखना, नहीं ये जो है इस टाइप का नहीं लिखना, हमको क्या लिखना है वेक्टर ए, अर्थात यहाँ पे हमको देखना है। अगर यहाँ पे ओ पॉइंट मान लेते हैं इसको ए और बी, यहाँ पे सी, तो हम लिखेंगे जो इस टर्म में लिख लेंगे वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी गुणे वेक्टर, फिर क्या हो जाएगा बी सी, वेक्टर बी सी, ठीक, ए बी गुणे बी सी। तो क्या लिखेंगे वेक्टर ए, और यहाँ पे क्रॉस लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, बी के लिए क्या लिखे हैं वेक्टर ए, यहाँ पर इसका परिणामी मान कितना है ए, और यहाँ पे परिणामी मान कितना है ए, और यहाँ पे हम क्रॉस वाला शब्द हटाएंगे, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, अर्थात यहाँ पे जो हमको मिलेगा थीटा मिलेगा, कुछ एंगल मिलेगा, ठीक। यहाँ पे थीटा एंगल जो है हमको मिला है कितना, 90। तो क्या निकला हमको ए स्क्वायर और कॉस 90 का मान क्या हो गया 1। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या देखेंगे, ऐसे कंडीशन में इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच का कंडीशन हम देख के चल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, नहीं वहाँ पे 90, यहाँ पे क्रॉस साइन, यहाँ पे क्रॉस है ना, क्रॉस है तो साइन है, सॉरी साइन 90, और यहाँ पे हम देखेंगे इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर मिलेगा। तो कहने का अर्थ हुआ अब तक हम ए का ए से गुणा कर दे रहे थे, साइन और टैन किस तरफ जा रहा है कोई मतलब उससे नहीं था, लेकिन जब वेक्टर लगा तो हमको ध्यान देना होगा उसकी दिशा कैसे है, तो परस्पर लंबवत है दोनों हो जाए, तो उस अनुसार हमने लिखा यहाँ पे डॉट, अर्थात उसकी दिशा मतलब दिशा या कह सकते हैं दिशा को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया साल किया। तो इसमें क्या होगा कि बस अब इस बातों से स्पष्ट हुआ कि जो क्षेत्रफल होता है वह क्षेत्रफल कैसा होता है, क्षेत्रफल दो मतलब हुआ उनके एक कह सकते कि उनकी दिशा जो होती है परस्पर कैसी होती है लंबवत। कोई भी क्षेत्रफल अब तक हम दिशा उसकी नहीं हमको ज्ञात था, अगर दिशा के टर्म में हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें क्षेत्रफल को, तो क्षेत्रफल को डिनोट करते हैं ए से, तो वेक्टर ए बराबर हमको मिलेगा ए कैप इंटू ए, ठीक। यहाँ ए क्या है, एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर मतलब क्षेत्रफल का एकांक वेक्टर, ए क्या परिणामी मान, और ए यहाँ पे वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए है कि उसका परिणाम मतलब राशि क्या, सदिश राशि उसका वैल्यू कितना निकलना। तो ऐसे में जो हम क्या करेंगे कि कह सकते हैं कि जो राशि क्षेत्रफल एरिया वेक्टर होता है और कैसा होता है, उनकी दिशा होती है और उनकी दिशा तल के सदैव कैसी होती है लंबवत होती है। जैसे ये हमारा पृष्ठ हुआ तो इस पृष्ठ के लंबवत जो रेखा इधर से जाएगी वही क्या होगी उसकी एरिया वेक्टर, ठीक। अगर हम इसी टाइप का एक उदाहरण देखें कैसे इसको डिनोट करेंगे कैसे लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमको ये एक ऐसा टर्म लिए, यहाँ इसकी लंबाई ए है, यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो है बी है, ठीक, चौड़ाई बी या कह सकते हैं लंबाई, चौड़ाई ए ले ली है और यहाँ पे ये क्या है लंबाई बी, यहाँ पे वाई अक्ष है, एक्स अक्ष है और ये जेड अक्ष है। आपसे पूछा गया कि इसमें जो है इसका आयतन या इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या लिखें ए इंटू बी लिख लेंगे। इसकी दिशा अगर हमको दिखाना है तो दिशा तल के या तो ए तल है तो तल के या तो बाहर होगी या तो अंदर होगी, ये तल किस एक्सिस पर है, एक्स मतलब वाई पर है और जेड
एक्स पर है, जेड पर है, तो इनके दोनों मतलब जो दोनों की दिशा पे होगा परस्पर उनके लंबवत होगा, तो मतलब वह किस पर होगा, उनकी दिशा जेड पर होगा। तो जेड के लिए हम क्या लिखते हैं, अगर किसी वेक्टर को एकांक अगर दिशा दिखाना है उसके लिए क्या लिखते हैं, के कह। जेड वाले टर्म को क्या लिखते हैं, के कह। तो हमको मिलेगा के कह, या कह सकते हैं ए क्रॉस बी बराबर क्या मिल गया, माइनस के कह। देखिए दो टर्म इसमें हमको मिलेंगे, एक प्लस वाला टर्म मिलेगा क्योंकि एक बाहर की तरफ देखेंगे और एक अंदर की तरफ। ये किस फॉर्म में होता है, देखिए पृष्ठ जो हम पृष्ठ लेते हैं, क्षेत्रफल पृष्ठ लेते हैं, ये बात ध्यान में रखेंगे। एक तो समझ में आया कि लंबवत होते हैं, लेकिन इनमें जो पृष्ठ लिया जाता है दो टाइप के पृष्ठ लिए जाते हैं। पहला टाइप होता है आपका खुला पथ होता है और दूसरा होता है बंद पथ। खुले पथ के लिए जो करते हैं जैसे आपका वर्त हुआ या जो है वृत्त हुआ, ये जो है या कह सकते हैं गोला जैसे आपका हुआ, घनाभ हुआ, ये सब जो है आपके कैसे बंद पथ के लिए। तो खुले पथ के लिए जैसे वर्ग आयताकार ये हुआ ऊंचा हुआ, इन सब के लिए जो उसमें पृष्ठ लिया जाता है वह पृष्ठ दो होते हैं, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। मतलब जैसे हम मान लेते हैं कि यही हमारा कोई एंगल है, ठीक, इस एंगल में यहाँ पे एक सर्किल रखा गया, ऐसे अगर मान लीजिए एक इस टाइप का है, यहाँ पे कुछ सर्किल रखा गया है और सर्किल से आपसे पूछा गया कि इसी पर जो है बेटर आपको एरिया वेक्टर बताना है, इसकी दिशा में या इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हम जानते हैं अगर इस कंडीशन, लेकिन इसकी दिशा हम लोग सबसे ज़्यादा देखेंगे, तो दिशा इसके तल के लंबवत बाहर की तरफ, ये इस टाइप पर रखा गया है, अब इस टाइप पर रखा गया है तो किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर। हम वाई अक्ष पर देख लेंगे तो जे कह, और अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस जे कह। तो दो टर्म बनेगा कि मतलब अक्ष के लंबवत अगर खुला पथ होगा तो अक्ष के लंबवत एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, एक माइनस टर्म में आप लिखेंगे उसी का एकांक वेक्टर को दर्शाएंगे, एक प्लस टर्म में। दूसरा आगे देखेंगे तो क्या होगा, बंद पथ के लिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक घनाभ बना लेते हैं, अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या होगा इसमें, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा तल होगा एक सीधा अलग अलग देख रहे हैं, जैसे ये तल है, इस तल के लिए हमको पूछा गया, इस तल में अगर ये बंद तल है, ये कैसा है, जैसे गोला हुआ या कह सकते हैं आपका घना हुआ जो ठोस मतलब पूरा बंद है, जैसे बेलन हुआ, ये देखिए इस टाइप के क्या है बंद पथ। तो बंद पथ में क्या होगा, ये इसमें अंदर और बाहर की तरफ दोनों कंडीशन में हम टर्न नहीं लेते, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब इसमें एक्स वाई जेड का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हम जब देखेंगे इसका अगर हमको बताना है तो इस एक्सिस के अराउंड मानेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो बाहर की तरफ इसका जो क्षेत्रफल होगा, ठीक, किस टर्म में है, अगर एक्स वाई जेड ऐसे टर्म में देखेंगे तो यहाँ से एंगल देख लेंगे तो किस टर्म में बता रहा है एक्स, ठीक, या ऊपर जाएंगे जेड नीचे आएंगे, ठीक, तो एक्स वाई और जेड मतलब जो भी इसमें होगा इसका जो एकांक वेक्टर लिया जाएगा, ये अंदर की तरफ माइनस वाला टर्म नहीं होगा, जब भी होगा इसका एकांक वेक्टर बंद वेक्टर के बंद जो परिपथ होते हैं पृष्ठ होते हैं उनमें केवल बाहर की तरफ हम देते हैं, अंदर की तरफ उसमें कोई प्रभाव मतलब कोई भी एकांक वेक्टर नहीं लिया जाता। जैसे इस तल के लिए अगर हम लेंगे तो इस तल में जो हम कंडीशन लेंगे, अगर मान लेते हैं क्षेत्रफल ए है, तो ए वेक्टर ए का मान जो होगा हमारा ये बाहर के लिए होगा और अंदर के लिए इसमें कोई मान नहीं लेंगे, इसमें लेंगे खुले भी खुले, अगर खुले पृष्ठ के लिए हम एकांक वेक्टर के जो एरिया वेक्टर लेते हैं उसी के लिए हम जो है अंदर और बाहर के लिए लेते हैं, बाकी के लिए नहीं लेते हैं। अगले टॉपिक में इसी में देखेंगे बैरिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बैरिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये क्या होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए
जो वैद्युत बल रेखाएं प्रदर्शित की जाती हैं, दिखाई जाती हैं, वह कैसे होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह ऐसी, मतलब कह सकते हैं कि वह वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो है वो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। तो वैद्युत क्षेत्र कब अधिक प्रबल होता है, कब जो है क्या होता है, मतलब दुर्बल होता है, तो वो हम ये भी कंडीशन पढ़े थे कि दूरी के अनुपात पर, अगर दूरी कम है, दूरी कम है तो प्रभाव क्या होगा उसका, मतलब वो अगर पास है, क्या कह सकते हैं इसमें, अगर आवेश के पास वाला क्षेत्र है तो उसकी प्रबलता क्या होगी, अधिक होगी। अगर दूर है तो उसकी प्रबलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो बात कर रहे हैं, एक फ्लक्स के जो है क्षेत्रफल की कल्पना करते हैं, मान लेते हैं कोई एक ऐसा जो है पृष्ठ है, ठीक, उस पृष्ठ से होकर के कितनी बल रेखाएं आसानी से गुजर रहे हैं, और यह उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। जैसे हम मान ले रहे हैं कि यहाँ से ये बल रेखाएं अलग अलग खींच रही हैं, वह यहाँ पे जो बल रेखाएं अलग अलग खींची जा रही है, तो यहाँ पे देखा गया कि इस पृष्ठ या इस फ्रेम से होकर के कितनी बल रेखाएं इससे होकर के गुजर रही है। अब यहाँ पे अगर हम दूसरा कंडीशन देखें, मान लीजिए इसमें एक उसी टाइप का, उसी क्षेत्रफल का, या कह सकते हैं जितना इसका भाग जो है, मान के चल रहे हैं फ्रेम का जितना लंबाई जो है, उसी भाग का एक अन्य, और इसमें क्या कर रहे हैं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ाएंगे, आपको अभी कंडीशन बताया कि अगर पास वाले होंगी तो क्या होगा, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आगे, अगर दूर होगा तो कम होगा। ऐसे कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि इसी फ्रेम के अंदर से होकर के वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। मान लीजिए ये फ्रेम है, इससे वैद्युत बल रेखाएं पूरी होकर के क्या हो रही है, गुजर रही है। तो अगर इनकी संख्या पास है तो प्रबलता अधिक है, यहाँ पे ई का मान क्या है, अधिक है। हम उस यहाँ पे देखेंगे कि जो वैद्युत फ्लक्स, अगर हाई से रिमूव कर दें वैद्युत फ्लक्स को, हाई हमारा जो निर्भर कर रहा है, और पहला चीज निर्भर कर रहा है ई, ई का मान यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ कम रखे थे, यहाँ पे कुछ अधिक रखे हैं, तो क्या होगा, जैसे जैसे अधिक रखे हैं तो आई का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ता है, ठीक। तो ई पर, ई पे भी निर्भर कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम इनका क्षेत्रफल और बढ़ा दें, ठीक, क्षेत्रफल बढ़ा दें और तब इसमें से वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, तो क्या होगा, इनका मान और अधिक होगा, जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी वह क्या हो जाएगी, और अधिक होगी। तो यह प्रोपोर्शनल कह सकते हैं क्या होगा, एक। तो दो कंडीशन में क्या होगा कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के जो संख्या होगी उनमें जो है एक ई का मान बढ़ाएंगे, दूसरा जो है ए का मान बढ़ाएंगे, उस कंडीशन में वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, फ्लक्स, अर्थात किसी फ्लक्स में से अधिकतम वैद्युत बल रेखाएं गुजर सकती हैं, जो क्या करती है, इनके घनत्व को प्रदर्शित करती है। और कंडीशन देखेंगे कि अगर इनका मान किसी कोण पर, मतलब कहने का अर्थ है जो फ्रेम हम बनाए थे, फ्रेम से होकर के जो रेखाएं गुजर रही थी, फ्रेम थोड़ा सा किसी कोण पर कर देते हैं, तब इन पर क्या हो जाता है, कितनी बल रेखाएं अधिकतर गुजर सकती हैं, तो इसके लिए जो हमको वैल्यू मिलता है इसमें से एक प्राप्त होता है फाई, फाई बराबर ई, यहाँ से जो हमको मिला ई डॉट ए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो फार्मूला हमको मिलता है कॉस थीटा के, ऐसा क्यों मिल रहा है, यहाँ पे देखेंगे कि जो फाई का मान है, मान लेते हैं किसी फ्रेम से क्या हो रहा है कि असमान जो है, असमान बल रेखाएं गुजर रही है, वैद्युत बल रेखाएं असमान से गुजर रही है, ठीक। अगर इसमें से हमको देखा जाए, मान लेते हैं सूक्ष्म कोई भाग ले लें जिसका क्षेत्रफल क्या होगा, सदैव क्षेत्रफल अगर लिया जाएगा तो इसमें जो दिशा इसकी होगी क्षेत्रफल की, वह क्या होगी, इसके सदैव लंबवत होगी। मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल डी है, ठीक, तो यहाँ पे और जो वैद्युत बल रेखा है इससे, इस फ्रेम से छोटे वाले भाग से होकर के गुजर रहे हैं, इनके बीच थीटा कोण है। तो अगर हम इनका एकांक जो है घटक लेते हैं तो घटक दो मिलेगा, एक नीचे की तरफ और एक जो है इसके सामने यहाँ, तो हमको जो लंबवत घटक मिलेगा, मतलब ई, अगर इसको ई मान के चल रहे हैं तो मिलेगा हमको ई साइन थीटा, और यहाँ पे जो हमको मिलेगा ई कॉस थीटा।
तो जो दिशा हम देख रहे हैं हमको जो नीचे वाला टर्म है उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब हमको किससे है, मतलब हमको इस प्लेन से है जिसमें जो है ई कॉस थीटा, इसलिए इस टर्म में जो आकर के फाई ई का मान जो वैक्यूम फ्लक्स का मान गुजरता है अधिकतम होता है और कुछ किस टर्म के कारण होता है, यहाँ पर जो हम ई कॉस थीटा वाला घटक लेते हैं मतलब जो है अंतिम घटक जो चाहे जो लंबवत घटक जो लेते हैं उससे जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो फाई ई में मिला हमको वह क्या हुआ, ई इंटू ए कॉस थीटा। एक बार अगर इसकी परिभाषा देनी होगी तो कैसे देंगे, जो अभी आपको बताया कि किसी फ्रेम से या किसी काल्पनिक बल जो है पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ठीक संख्या क्या कहलाते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहलाते हैं। वैद्युत फ्लक्स किससे डिनोट करते हैं, फाई ई से डिनोट करते हैं। फाई ई बराबर क्या हो गया, ई डॉट ए। ई डॉट ए कैसे आया आपको समझना है कि ई का मान कितना होगा, यहाँ पे कॉस थीटा आपको मिलेगा और एक टर्म और यहाँ से अगर हम कॉस थीटा वाला टर्म हटा देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा फाई ई वेक्टर, वेक्टर हट जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यहाँ पे कॉस थीटा। तो इस टर्म्स के अनुसार हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे डॉट पर और एक टर्म और ये जब फार्मूला लगाएंगे तो ये पूरे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, लेकिन हम एक बार में संपूर्ण पृष्ठ का वर्णन तो कर नहीं सकते हैं, जब भी हम लिखेंगे छोटे पार्ट के लिए लिखेंगे और उसमें परिवर्तन जो अधिकतम होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर डेरिवेशन जो किया जाता है वह ई को एक समान करके किया जाता है, प्रभावित कौन होता है इसमें, प्रभावित होता है हमारा ए, तो हमको मिलेगा डी फाई ई इक्वल हो जाएगा ई वेक्टर ई डॉट डी ए। यह जो फार्मूला आपका होगा यह छोटे खंडों से लेकर के अर्थात इनका समेशन या क्या कर सकते हैं समाकलन के आधार पर संपूर्ण का मान क्या कर सकते हैं वैद्युत फ्लक्स में निकाल लेते हैं। ठीक, एक चीज और इसमें देख लेंगे, इसका मात्रक अगर हम देखेंगे तो मात्रक क्या होगा, ई का मात्रक क्या हम लिख सकते हैं, ई ई बराबर हम क्या लिखे थे, एफ अपॉन क्यू, एफ के लिए क्या लिखे थे न्यूटन और इसमें क्या लिखे थे एफ अपॉन क्यू, क्यू के लिए क्या कूलम और इनटू क्या हो जाएगा मीटर। तो क्या लिख सकते हैं एक साथ, न्यूटन मीटर प्रति कूलम, बीमा लिखना चाहे तो एम एल की पावर माइनस टू, मीटर के लिए एल और गुलाम के लिए ए टी, एक साथ लिख लें क्या हो जाएगा, यम एल पावर टू टी पावर माइनस थ्री ए पावर टी पावर माइनस थ्री ए पावर माइनस वन, यही आपको बीमा प्राप्त होगा। ठीक, अब आगे आप जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद आप अध्ययन करेंगे गॉस का नियम क्या होता है, गॉस थ्योरम अगले दिन।